गाइस अपनी होंडा सिटी ने जंप तो कर दिया है एंड यहाँ पर एंड ये हमारा फॉर्च्यूनर ने जंप गाइस, और क्या ये पार कर पाएगी, और काफी हद तक गाड़ी, ओ भाई बीच में से आधी कूल, भाई बीच में से गाड़ी आधी टूट गई है गाइस। चैलेंज करने वाले हैं जिसमें कि अपन लोग एक अपनी गाड़ियों को गाइस बड़े से गड्ढे को क्रॉस करने वाले हैं। तो मैं तुम्हें ना सिनेरियो दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखो गाइस, ये तो अपनी मतलब यहाँ से अपनी गाड़ियाँ फुल रफ्तार में जाने वाली है, एंड देन उसके बाद गाइस यहाँ पर आप लोग देखोगे तो गाइस एक बहुत ही बड़ा गड्ढा है जिसको कि भाई अपनी गाड़ियों को क्रॉस करके जाना है। एंड लिटरली गाइस ये गड्ढा दिखने में तुम लोग को शायद छोटा लग रहा होगा, पर जब यहाँ से गाड़ियाँ गुजरेगी तब आपको समझ में आएगा कि कितना गहरा और बड़ा गड्ढा है। भाई ये देखो कितना ज़्यादा बड़ा गड्ढा है, लाइक इसमें 100 गाड़ियाँ आराम से आ सकती है, इतना बड़ा ये गड्ढा है। तो इसको अपनी गाड़ी को भाई जंप करके क्रॉस करना है, और जो भी गाड़ी गाइस यहाँ पर सेफ मतलब इसको क्रॉस कर जाएगी वो आज के चैलेंज में विनर होने वाली है गाइस। तो देखते हैं यहाँ पर कौन कौन सी गाड़ी जो है भाई सर्वाइव कर पाती है। ओके गाइस यहाँ पर शुरुआत हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं गाइस अपने होंडा सिटी से, एंड लेट्स गो गाइस। देखते हैं यार अपनी जो होंडा सिटी है गाइस वो इस जायंट पिट को गाइस क्रॉस कर पाएगी या नहीं। गाइस क्या लगता है ये कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, चलो देख ही लेते हैं भाई। एंड चलो गाइस भाई अपनी होंडा सिटी चल पड़ी है गाइस यहाँ पर फुल ऑन रफ्तार भाई साहब। और भाई ये आईबी टैग वाली होंडा सिटी है, मतलब खतरनाक वाली होंडा सिटी तुम्हारा भाई लेके आया गाइस। लेट्स गो, गाड़ी की स्पीड गाइस यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो चुकी है, और गड्ढा भी भैया अपना आने ही वाला है और आ चुका है गाइस। एंड बूम गाइस अपनी होंडा सिटी ने जंप तो कर दिया है एंड यहाँ पर ओ भाई गाइस भाई साहब गाइस होंडा सिटी का यहाँ पर काफी कुछ डैमेज हो गया, मतलब काफी कुछ क्या भाई सब कुछ डैमेज हो चुका है। तुम लोग देख रहे हो गाड़ी ओ भाई पूरी खत्म हो चुकी है गाइस अपनी होंडा सिटी। हालांकि इसने गड्ढा तो क्रॉस कर लिया बट ओके इंजन भी अभी तक चल रहा है, बट इसके टायर वायर सब कुछ टेढ़े पड़ चुके हैं, और यहाँ पर क्या बोलते हैं ड्राइव शाफ्ट वगैरह सब कुछ टूट गया है। गाड़ी के इंजन से गंदा वाला धुआं निकल रहा है। तो गाइस तुम लोग कमेंट में बताना है कि ये गाड़ी अपने आज के चैलेंज में फेल हुई या फिर पास हुई है। गाइस अपनी नेक्स्ट कार है गाइस यहाँ पर अपनी टोयोटा फॉर्च्यूनर गाइस, एंड लुक एट दिस भाई ये टोयोटा फॉर्च्यूनर मतलब अपग्रेडेड वाली है, मतलब ये टॉप मॉडल वाली टोयोटा फॉर्च्यूनर है गाइस, TRD वर्जन वाली। एंड लेट्स गो देखते हैं गाइस अपनी टोयोटा फॉर्च्यूनर यहाँ पर इस गड्ढे को पार कर पाएगी या नहीं। वैसे मैं बता दूँ टोयोटा फॉर्च्यूनर थोड़ी सी भारी गाड़ी है तो पॉसिबिलिटी काफ़ी कम है, बट इंजन भी बहुत ज़्यादा पावरफुल दिया गया है। एंड लेट्स गो गाइस स्पीडोमीटर में तुम लोग देख सकते हो स्पीड अराउंड अभी 140 की हो चुकी है, एंड ओके गड्ढा भी अपना आ चुका है भाई 150 की प्लस स्पीड है। एंड ये हमारा फॉर्च्यूनर ने जंप गाइस, और क्या ये पार कर पाएगी, एंड ओ नहीं गाइस भाई इसने गड्ढा तो क्रॉस कर लिया है बट गाइस गाड़ी के भाई पर खच्चे उड़ चुके हैं, लिटरली भाई गाड़ी पूरी क्रैश हो चुकी है गंदे वाली, भाई कुछ भी नहीं बचा है। ओ गाइस यहाँ पर देख रहे हो भाई एयरबैग वगैरह सब कुछ खुल चुके हैं, और ओके गाड़ी अभी भी वर्किंग कंडीशन में है। तो गाइस ये वाली गाड़ी तो भाई अपनी आज के चैलेंज में पास हो चुकी है टोटली, क्योंकि गाड़ी मेरे को पता है डैमेज तो यहाँ पर होगी होगी बट चलनी जरूरी है भाई। तो गाड़ी यहाँ पर चल रही है और इसके ड्राइव शाफ्ट वगैरह भी एकदम बढ़िया ठीक ठाक ओके है, और गाड़ी को इवन हम लोग यहाँ पर ड्राइव भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ मेजर इशू नहीं आ रहा है। बस थोड़ा सा चलाने में दिक्कत आ रही है क्योंकि गाड़ी का अलाइनमेंट पूरा का पूरा बिगड़ चुका है, बट गाड़ी अभी भी वर्किंग कंडीशन में, तो ये आज के चैलेंज में पास हो चुकी है। तो गाइस अपनी नेक्स्ट गाड़ी है गाइस यहाँ पर अपनी इनोवा क्रिस्टा 2.7G गाइस, एंड लुक एट दिस भाई अपनी इनोवा क्रिस्टा एकदम टॉप मॉडल वाली इनोवा क्रिस्टा यहाँ पर हाजिर है गाइस यहाँ पर, और फटाफट से इसको लेके चलते हैं। एंड भाई अंदर से इंटीरियर देख रहे हो भाई क्या मस्त लग रहा है, और अंदर से ड्राइव करने में फील भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया और बेहतरीन आ रहा है। फिलहाल अभी देखते हैं गाइस ये बड़े से गड्ढे को पार कर पाएगी या फिर नहीं, क्या लगता है, मेरे को लग रहा है गाड़ी क्रैश तो यहाँ पर गंदे से होने वाली है, बट देखते हैं क्या होता है। वो भाई स्पीड काफ़ी नहीं यार एवरेज स्पीड है इस गाड़ी की, तो काफ़ी मुश्किल चांसेस है गाइस इनोवा क्रिस्टा के यहाँ पर। एंड ओके भारी भी है भाई इनोवा क्रिस्टा, और भाई ये तो गड्ढे में ही फिट हो जाएगी। ओ नहीं नहीं गड्ढे में, ओ भाई टायर निकल गया है गाइस यहाँ पर गाड़ी का। एंड ओके गाड़ी की ड्राइव शाफ्ट टूट चुकी है, तुम लोग लेफ्ट कॉर्नर में देख रहे हो यहाँ पर दिख रहा होगा तुम्हें, यहाँ पर गाड़ी की ड्राइव शाफ्ट टूट गई है, टायर निकल गया है, और इंजन बस इसका जो है वर्किंग कंडीशन में, बट शायद से इनोवा क्रिस्टा पर चल भी नहीं पाएगी, अगर ये सीधी हो भी गई ना तो चलेगी भी नहीं। हाँ व्हील स्पिन नहीं कर रहे तो उसका मतलब ये जो गाड़ी है भाई आज की अपने चैलेंज में गाइस भाई फेल हो चुकी है। बाकी एयरबैग वगैरह जो है इसके भी खुल चुके हैं, और बाकी डैमेज तुम लोग देख सकते हो
काफी खतरनाक हो चुका है। गाइस अपनी नेक्स्ट गाड़ी है गाइस अपनी लैंड रोवर डिफेंडर, और गाइस ये ड्रैग रेस एडिशन डिफेंडर है। तो तुम लोग देख सकते हो उसके पीछे से जो है भाई बम्पर निकाल दिया गया है, जिस वजह से शायद इसका वेट वगैरह हल्का हो पाए। और अंदर से भी तुम लोग देख सकते हो यहाँ पर सीट जो है बिल्कुल ही रिमूव कर दिया, क्योंकि ये ड्रैग रेस एडिशन कार है और तुम्हें पता है ड्रैग रेस में भाई गाड़ी का वेट बहुत ज्यादा मैटर करता है। चलो गाइस, और भाई गाइस डिफेंडर तो क्या खतरनाक भाग रही है यार ये तो। ओ भाई स्पीड देख रहे हो इसकी, लुक एट दिस गाइस, 250 भाई 300 तक चली गई थी यहाँ पर, एंड भाई जंप तो कर दिया इसने। क्या ये क्रॉस करेगी? ओ बहुत आराम से क्रॉस कर दिया, बट डिफेंडर में भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पहुँच गया है गाइस। ओ भाई, और इसकी ड्राइव शाफ्ट वगैरह सब कुछ टूट गई है भाई साहब यहाँ पर। बट गाइस इसने गड्ढा तो भाई बहुत आराम से क्रॉस कर लिया था, बट यहाँ पर दिक्कत आ चुकी है गाइस। ओ भाई डिफेंडर तो यार पूरी की पूरी खत्म हो चुकी है, इंजन डेड हो गया, ड्राइव शाफ्ट टूट गया, चारों के चारों टायर टूट चुके हैं गाड़ी के, एंड कुछ भी नहीं बचा यार इस गाड़ी के अंदर। मजाक से हट के लिटरली जो पूरी की पूरी कार है ना वो ख़त्म हो चुकी है, और भाई कहाँ गया, क्या बोलते हैं, झाड़ियों में आके फंस गई है भाई, मेरे को तो दिखाई भी नहीं दे रही यार सही से। तो गाइस अपनी नेक्स्ट कार है गाइस अपनी टोयोटा लैंड क्रूजर गाइस, और भाई ये टोयोटा की मोस्ट एक्सपेंसिव कार मेरे से आती है भाई, मतलब मोस्ट एक्सपेंसिव कार में से क्या आती है, सबसे ज़्यादा शायद महंगी टोयोटा की यही गाड़ी। वैसे और भी गाड़ियाँ हैं लाइक सुपर कार है, स्पोर्ट्स कार है, जैसे कि टोयोटा सुपरा वगैरह हो गई, वो तुम्हें पता है इससे भी शायद एक्सपेंसिव होंगी, बट फिलहाल एसयूवी की कैटेगरी में अगर देखा जाए तो सबसे महंगी शायद यही गाड़ी है टोयोटा की, मेरे हिसाब से तो यही है, बाकी तुम लोग कमेंट में बताना। एंड फिलहाल यहाँ पर गाड़ी की स्पीड भाई पैसे के हिसाब से काफ़ी ठीक ठाक है, 180 के अराउंड स्पीड हो गई थी, और भाई गड्ढा तो क्रॉस कर दिया है बट टायर वायर टूट गया भाई, इंजन में इंपैक्ट पहुँच चुका है, और ड्राइव शाफ्ट सबसे पहले इसकी डैमेज हुई है। तो भाई इतनी महंगी एक्सपेंसिव गाड़ी होने का क्या फ़ायदा जब वो इतना खतरनाक इम्पैक्ट ना झेल पाए। तो देख रहे हो भाई टोयोटा लैंड क्रूजर की हालत बहुत ही ज़्यादा गंभीर हो गई है, लाइक गंभीर क्या भाई, कुछ बचा ही नहीं है इस गाड़ी के अंदर में। एंड अच्छी बात पता है ये कि इसने गड्ढा क्रॉस कर लिया, बट लकली क्या यार, सैडली ये गाड़ी जो है भाई सेफ यहाँ पर बिल्कुल नहीं बच पाई। तुम लोग देख रहे हो हॉर्न तो बज रहा है पर इंजन जो है इसका बिल्कुल भी वर्किंग कंडीशन में नहीं बचा है। गाइस अपनी नेक्स्ट गाड़ी है गाइस अपने हुंडई की i20, एंड लेट्स गो गाइस लेके चलते हैं i20 को। और भाई शुरुआत यार काफ़ी स्लो हुई है यार, मतलब बहुत आराम से जो है गाड़ी ने यहाँ पर पिकअप लिया है, लाइक पिकअप इसका थोड़ा सा कम है, मतलब पता नहीं यार मेरे को, मतलब मेरे को लग रहा है इसका जो क्या बोलते हैं यार उसको गाड़ी में एक होता है ना हॉर्स पावर तो नहीं, एक चीज़ और होती है यार, मेरे को अभी ना एग्जैक्ट उसका नाम याद नहीं आ रहा है। एंड फिलहाल स्पीड काफ़ी कम है बट ये गाड़ी हल्की भी है, और लो भाई हल्की तो है पर ये गड्ढे में जा रही है गाइस। ओ भाई काफ़ी गंदा इम्पैक्ट पहुँचा है भाई, एंड इसकी ड्राइव शाफ्ट सही है ना मेरे हिसाब से, नहीं इंजन बंद हो गया भाई, लो ड्राइव शाफ्ट अच्छी थी पर इंजन टोटली गाड़ी का डैमेज हो चुका है, और i20 गाइस गंदे से डैमेज हो गई भाई। तुम लोग देख रहे हो आगे से जो गाड़ी है पूरी की पूरी ख़त्म है, और पीछे तक जो है गाड़ी में इंपैक्ट पहुंचा है। एंड हाँ क्या बोलते हैं यार उसको, भाई अभी जस्ट मेरे को याद आया तो मैं फिर से भूल गया यार उसको क्या बोलते हैं, न्यूटन मीटर टॉर्क बोलते क्या बोलते हैं, हाँ टॉर्क, गाड़ी का जो टॉर्क था ना वो काफ़ी कम था, जिस वजह से इसने स्टार्टिंग में पिकअप हाँ स्लो लिया था और स्पीड भी कम रह गई। एंड बाकी देख सकते हो गाइस अपनी i20 की हालत काफ़ी ज़्यादा बेकार हो चुकी है। तो गाइस अपनी अगली गाड़ी है गाइस थोड़ी सी हम लोग अभी लेवल अप कर रहे हैं, और ये है गाइस अपनी लैम्बोर्गिनी की उरुस, और तुम लोगों को पता है गाइस लैम्बोर्गिनी उरुस की पावर कितनी खतरनाक है और ये कितनी हाई स्पीड तक भाग सकती है। तो फिलहाल अभी इसको लेके चलते हैं, और ये देखो भाई गाड़ी के इंजन में इतना ज़्यादा लाउड साउंड है ना मैं क्या बताऊँ, फिलहाल भाई इन्हें हग दिया मैं से बता रहा हूँ, मैं शुरुआत में मैंने इतनी चौड़ में बोला था ना, और ये देखो गाइस स्पीड भाई, अबे इससे ज़्यादा तो भाई लैंड क्रूजर की स्पीड चली गई थी गाइस। ये क्या है भाई लैम्बोर्गिनी उरुस के नाम पे धप्पा है, फिलहाल अभी जंप करा है गाड़ी ने। ओ गाइस भाई लैम्बोर्गिनी उरुस ने काफ़ी डिसअपॉइंटेड करा हम लोगों को, क्योंकि स्पीड एक तो बहुत स्लो रही है इस कार की, और दूसरी चीज़ गाड़ी का डैमेज तुम लोग देख रहे हो भाई कितना ज़बरदस्त और ख़तरनाक हुआ है, और गाड़ी का इंजन डैमेज हो चुका है, ड्राइव शाफ्ट टूट चुकी है, और लिटरली गाड़ी में कुछ भी नहीं बचा है, आगे के टायर पीछे के टायर सब कुछ डैमेज है भाई, कुछ भी सेफ नहीं बचा है इस कार में। तो गाइस अभी हम लोग यहाँ पर अपनी महिंद्रा की सस्ती थार लेके चलने वाले हैं, मतलब ये महिंद्रा की गाड़ी नहीं है ठीक है, मैं पहले बता दूँ अपनी सस्ती थार है, एंड लेके चलते हैं गाइस अपनी सस्ती थार को, और लेट्स गो देखते हैं गाइस सस्ती थार का परफॉर्मेंस कैसा रहने वाला है। फिलहाल अभी तक जितनी भी गाड़ियों ने इस गड्ढे के ऊपर से जंप करा है कोई भी सेफ तो नहीं बचा है, पर हाँ काफ़ी हद तक गाड़ियों ने ये चैलेंज करा है, अब देखते हैं सस्ती थार गाइस क्या करने वाली है।
और स्पीड अगर देखी जाए तो ठीक ठाक है, एवरेज स्पीड है 150 की। एंड लुक एट दिस गाइस, गाड़ी ने जंप कर दिया और ये गड्ढे में टकरा। ओ भाई गाड़ी पूरी की पूरी रबड़ की तरह बैंड हुई है। तुम लोगों ने स्लो मोशन में देखा ना भाई, कितनी खतरनाक तरीके से बैंड हुई थी। एंड इसकी ड्राइव शाफ्ट टूट चुकी है, इंजन चल रहा है, ठीक है इंजन चल रहा है, उसमें कोई भी डाउट नहीं है, बट ड्राइव शाफ्ट टूट गया। और वैसे ऑल व्हील ड्राइव है, हाँ ये ऑल व्हील ड्राइव है, तो ये अभी भी चल रही है गाइस। तो इसको जो है हम लोग आज के चैलेंज में पास करने वाले, क्योंकि गाड़ी अभी भी वर्किंग कंडीशन में, ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी डेड हो गई, अभी भी चल रही है भाई। वो अलग बात है, थोड़ी मरियल हालत में चल रही है, और मरियल हालत में इसलिए चल रही है क्योंकि इसकी हालत ही इतनी ज़्यादा खतरनाक हो गई। तुम लोग देख रहे हो भाई, गाड़ी कितनी ज़्यादा डैमेज हो चुकी है, लाइक डोर बोर्ड सब कुछ टूट चुका है, और आगे से गाड़ी पूरी की पूरी बैंड हो चुकी है। मतलब काफ़ी खतरनाक इम्पैक्ट पहुँचा था यार इस पर। गाइस अभी हम लोग थोड़ा और लेवल अप हो चुके हैं, और अभी हम लोग आ चुके हैं गाइस अपर सुपर कार में। तो गाइस अभी इस बार हम लोग लैम्बोर्गिनी की अवेंटाडोर लेके चलने वाले हैं गाइस। एंड लेट्स गो भाई, मेरे को लग रहा है लैम्बोर्गिनी तो जो बड़ा सा गड्ढा है ना, उसको आराम से टाप के चली जाएगी। एंड स्पीड देखो यार लैम्बोर्गिनी की गाइस, लुक एट दिस भाई, 200-250 तो आराम से कुछ ही सेकेंडों में पहुँच जाती है। और भाई स्पीड बहुत ज़बरदस्त है, अराउंड 300 हो गई है। ओ भाई इसने गड्ढा तो पूरा क्रॉस कर दिया, और गाड़ी में डैमेज बहुत ज़्यादा पहुंच गया भाई, 4 टायर में इम्पैक्ट पहुंचा है। ड्राइव शाफ्ट भाई मेन है गाइस, गाड़ी का ड्राइव शाफ्ट जो कि नहीं टूटना चाहिए था और वही टूट चुका है, हालांकि इंजन अभी भी चल रहा है। ओ भाई ये कैसे ग्लिच हो गया यार, इसमें से कुछ बहुत बड़ा पार्ट एकदम खिंच गया है, मेरे को पता नहीं क्या हुआ है। एंड गाड़ी का इंजन गाइस वर्किंग कंडीशन में, बट गाड़ी बिल्कुल भी यहाँ पर सेफ नहीं बची। तुम लोग देख रहे हो पूरी की पूरी गाड़ी यहाँ पर डैमेज हो चुकी है और इंजन से धुआं निकल रहा है। बस अच्छी चीज़ है कि इंजन ही गाड़ी का सही सलामत बचा है, बाकी गाड़ी जो है पूरी की पूरी यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है गाइस। तो अभी देखते हैं गाइस अपनी नेक्स्ट गाड़ी का क्या सीन होता है। गाइस अभी हम लोग एक और लेवल अप हो चुके हैं, और इस बारी गाइस हम लोग बुगाटी की गाड़ी लेके चलने वाले हैं। एंड लुक एट दिस गाइस यार, क्या मस्त और प्यारी लग रही है भाई अपनी बुगाटी, येल्लो या फिर गोल्डन तो नहीं है, येल्लो कलर है, बट काफ़ी मस्त लग रही है यार, ब्लैक और येल्लो कलर, मतलब काफ़ी खतरनाक कॉम्बिनेशन है। एंड बाकी गाइस भाई इसका मतलब साउंड इतना लाजवाब और प्यारा स्मूथ है ना, मैं क्या बताऊँ यार, और स्पीड उतनी ही ज़्यादा स्मूथ है गाइस भाई। इस गाड़ी ने प्रॉपर 300 की स्पीड से अच्छी, ओ भाई 300 की स्पीड से जंप मारा है, इस गाड़ी का इंजन में इंपैक्ट पहुंचा है, ड्राइव शाफ्ट टूट चुकी है, और गाड़ी की हालत देखो भाई कैसी हो चुकी है गाइस। भाई बुगाटी पूरी ख़त्म हो चुकी है, मतलब पूरी तो नहीं हुई है बट काफ़ी हद तक गाड़ी, ओ भाई बीच में से आधी, ओ ले भाई बीच में से गाड़ी आधी टूट गई है गाइस। भाई इसका पीछे का पार्ट कहीं और पड़ा है, और पीछे का पार्ट भाई ये क्या सीन हो गया गाइस, एक सेकंड यार इसको तो थोड़ा अच्छे से थोड़ा देखना पड़ेगा। ये देखो ये आगे का पार्ट है और पीछे का पार्ट कहाँ गया भाई, यहीं कहीं पे तो था, ओ कहीं दिख रहा है क्या भाई, मेरे को नज़र ही नहीं आ रहा इसका पीछे का पार्ट गया कहाँ गाइस, किधर गया भाई, पीछे का पार्ट ही नहीं दिख रहा है यार। ये रहा गाइस भाई, ये यहाँ पड़ा है भाई, गाड़ी बीच में से आधी आधी हो चुकी है भाई, टूट चुकी है गाइस। ये देखो आगे वाला हिस्सा यहाँ पड़ा है और पीछे वाला वहाँ पड़ा है, मतलब आगे की जैसे, हालांकि ये तो वैसे 2-सीटर कार है पर अगर 4-सीटर होती ना तो 2 सीट यहाँ पर है और पीछे की 2 सीट गई और है। गाइस देख सकते हो भाई काफ़ी खतरनाक सीन हुआ है भाई बुगाटी का, मतलब जितनी खतरनाक गाड़ी है उतना ही खतरनाक इसका सीन भी हुआ है। और ये सब का सब हुआ है भाई, एक छोटा नहीं काफ़ी बड़ा गड्ढा था, मतलब इस गड्ढे को पार करने के बीच में, मतलब तुम लोग देख रहे हो ये है गाइस वो अपना जाइंट गड्ढा जिसको अपनी गाड़ियों ने आज क्रॉस कराया, मतलब काफ़ी गाड़ियों ने कर भी लिया, काफ़ी गाड़ियों ने नहीं कराया। एंड बाकी यार गाइस आज की वीडियो अपना एंड करने का टाइम आ चुका है। एंड गाइस अगर तुम लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखी और तुम्हें अच्छी लगी यार तो लाइक करना मत भूलना, और चैनल बनाया तो सब्सक्राइब भी कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यार, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।